सो गाइस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस सॉरी सबसे पहले तो सॉरी डार्लिंग। आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। मैं आपको याद होगा मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि हम अपनी गेम में कस्टमाइज टी शर्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, हमारी पर्सनल मतलब कस्टम जिसमें हमारा लोगो हो सकता है, नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। आई भी ठीक है, तो ओपन आई भी कैसे इंस्टॉल करना है और मोडिंग कैसे करनी है, आपकी गेम मोड होनी चाहिए कैसे करनी है वो मैंने आपको, अब उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको पता है कैसे मोडिंग करते हैं आप खुद कर लो, या फिर नहीं पता तो देख लो और करके रखिए तो मेरे साथ आ जाओ। तो सबसे पहले आपको ओपन आईवी को ओपन करना है और फिर ऐसा आपको कुछ इंटरफेस दिखे तो आपको विंडोज़ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट हो जाएगा, मेरा एकदम जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाता है जैसे कि मैंने बोला था। सबसे पहले आपको एडिट मोड को ऑन कर देना है और यहाँ पर टूल्स पर जाके आपको ASI मैनेजर दिखेगा, ठीक है, तो ASI मैनेजर पर क्लिक करना है और सारे जो ASI लोडर ओपन IV ASI ओपन कमांड सारों को इंस्टॉल कर देना है, मैंने करके रखा है, ठीक है। और हाँ, ये GTA ऑनलाइन में काम नहीं करेगा, मोल्ड आप मत ही करो तो ये अच्छा है, ठीक है, आप बैन भी हो सकते हो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है x64v.rpf, उस पर क्लिक करना है और अगर आपने ये मोड जो है मतलब ये जो फाइल है x64v.rpf अगर आपने मोड्स के फोल्डर में ऑलरेडी कॉपी करके पेस्ट कर दिया है तो आपका शो इन मोड फोल्डर आएगा, ठीक है, शो इन मोड फोल्डर, लेकिन मैंने नहीं कर रखी क्योंकि आपको बताना था मेरे को। तो अभी आपको कॉपी टू मोड्स फोल्डर करना है तो ये थोड़े दिन देर में ये कॉपी हो जाएगा हमारी मोड्स के फोल्डर में क्योंकि इधर बहुत सारी फाइल्स होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको होने देते हैं और मैं आपको फिर मिलता हूँ। सो गाइस मेरा जो x64v.rpf की फाइल है वो मेरे मोड्स फोल्डर में आ गई है, जब भी मैं इधर जाऊँगा तो इधर दिखेगा शो इन मोड, 1 है फ्रैंकलिन, 2 है ट्रेवर और 0 है माइकल। तो आपको जिसके भी क्लोथ एडिट करने हैं वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी आपको फ्रैंकलिन बता रहा हूँ, तो फ्रैंकलिन है प्लेयर 1 पे, तो हमें प्लेयर 1 पे डबल क्लिक करना है, ठीक है, ये मैंने डबल क्लिक किया और ये सारे जो फाइल्स जो है क्लोथ सारे फ्रैंकलिन के उधर आ जाएंगे। तो हमें ढूंढना है YTD फाइल चाहिए, ठीक है, तब जहाँ पे देख सकते हो ये लिखा है इधर YTD फाइल, तो हमें इधर जाना है अपर डीप और YTD, ठीक है। तो मैं अभी फीट पे मतलब यहाँ पे शूज आएगा, ठीक है, जीन्स आएगा, तो हमें जाना है upper.deep_deep, ठीक है। तो हमें अभी नीचे स्क्रॉल करना है, मैं आप जैसे कि देख सकते हो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी लोअर पे आ गया तो ये हमारा पैंट जो होता है जीन्स जो मैं बोल रहा था वो होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी एक प्लेन वाइट टी शर्ट ढूंढ लेता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस अगर आपको मेरे जैसी ये आप जैसे कि देख सकते हो वाइट कलर की टी शर्ट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये वाली जो है वो मैं इसका जो पूरा नेम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने जो नेम दिया उसको कॉपी करना है और ये वाले फोल्डर में आके इधर आपको पेस्ट कर देना है, तो आपको मेरे जैसी ये जो फाइल है टेक्सचर डिक्शनरी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो वाइट कलर की टी शर्ट है उसको हमें पहले तो डाउनलोड करना है, ठीक है, तो डाउनलोड हम यहाँ से करेंगे, मैं इधर से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक्सपोर्ट करूँगा सिलेक्टेड को, ठीक है, तो ये मेरा होने में थोड़ा सा देर लग रहा है, तो ये हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आपको ये जो है ये हमें कर देना है सेट PNG में, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको PNG करना है। इसके बाद मैं अभी आपको डेस्कटॉप पे करके दिखा रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पे यही नाम रखना तो ही होगा ये, ठीक है, तब भी आपको सेव कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो ये फाइल है क्लोथ की वो आ गई है टी शर्ट की, तो ये अभी लोड होने में थोड़ी सी देर लगेगी, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो ये आ गई है। तो अभी हमें इसको क्लोज नहीं करना, इसको अभी हमें मिनिमाइज़ करना है दोनों चीज़ों को, ठीक है। मैं अभी डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, अभी आपको फ़ोटोशॉप या फिर आपको कोई भी फ़ोटोशॉप मतलब फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो आपके पास उसको ओपन कर देना है, ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो भी प्रिंट करना है वो आप कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना, समझ रहे हो, ये वाली जो है वो है फ्रंट और ये वाली बैक।
अगर आपको फ्रंट वाले पे करना है तो आप फ्रंट वाले पे ही करना, अगर अगर आपको लगे फ्रंट ये है तो ये आप गलत हो, ठीक है। तो ये वाला फ्रंट है, तो आपको जो भी डिज़ाइन करनी है आप फ्रंट और बैक ये समझ जाओ, ठीक है। तो अभी आपको सबसे पहले आपको जो भी चीज़ ऐड करनी है वो आपको ले ली है, जैसे मैं अपना लोगो ले रहा हूँ, तो आपको लोगो अपना इस पे फोटोशॉप पे ओपन कर देना है। सो गाइज, अभी मैंने अपना लोगो ले लिया है, तो अभी आपको ड्रैग करके जहाँ पे भी आपको जो भी साइड अच्छी लगे, जहाँ पे आपको लोगो रखना है वहाँ पे रख दो और इसको एकदम बराबर सेट कर दो ताकि एकदम अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके, तो ये मैं अभी ऐसा लोगो लगेगा हमारा। तो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ, तो आपको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे अर्श गेमिंग लिख देता हूँ। कल मैं दोनों साइड एकदम एडजस्ट कर दिया ताकि पूरा लोगो और टेक्स्ट अपना अच्छा लगे। तभी आपको यहाँ पे सेव कर देना है इसको PNG में, ठीक है। तो ये मैं PNG में सेव कर देता हूँ। जो भी आपने फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया होगा वही फॉर्मेट में आपको इसको भी एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इसको रिप्लेस कर देना है। और ये मैं ओके कर देता हूँ। अब भी फोटोशॉप आपको ऑफ कर देना है। ओके, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी आपको ओपन आईवी में जो आपने अपनी क्लोथ ली थी तो वहाँ पे आपको आना है, रिप्लेस आपने जो माइज किया था उसको आपको ओपन कर देना है। और आप जैसे कि देख सकते हो मैंने अपना जो लोगो है वो ये वाली टी शर्ट पे कर दिया। अभी आपको सेव करके गेम में आ जाना है, तो मैं गेम में आने के बाद आपको मिलता हूँ। गाइस, अभी मैं अपनी गेम में आ चुका हूँ। तो अभी मैं अपने जो कपड़े हैं वो वार्ड्रॉप की सेक्शन में जाके चेंज कर देता हूँ और चेक करते हैं कि मेरी कस्टमाइज्ड टी शर्ट गेम में आई है या नहीं आई है। तो ये मैं आ गया अपने घर में, तो ये मैं अभी क्लोथ्स देखता हूँ मेरे आए हैं या नहीं आए। तो गाइस, अभी मैं टी शर्ट के सेक्शन में जा रहा हूँ, तो देखते हैं हमारा जो कस्टमाइज। ओके गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो मेरा जो कस्टमाइज लोगो है वो आ चुका है। तो इधर आर्ट गेमिंग लिखा है, क्वालिटी मेरी थोड़ी सी कम है लेकिन मेरा लोगो और मेरा जो नाम है वो आ चुका है टी शर्ट पे। और ये एकदम वाइट टी शर्ट नहीं है, थोड़ी सी ग्रेश कलर की है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखो मेरा मस्त लोगो दिख रहा है और पीछे मेरा नाम लिखा है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से जाओ और वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।